Namaste. You are with Kanchan, a certified yoga instructor. तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे द एबीसी ऑफ योग. ये एबीसी क्या होता है? ए एब्डोमिनल, बी ब्रीदिंग एंड सी लाइक अ चाइल्ड. आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा सांस लेता है तो हर इनहेलेशन में उसका पेट बाहर निकलता है और एक्सहेलेशन में अंदर की तरफ जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योगिक ब्रीथिंग. ये सबसे नेचुरल और प्राइमरी वे ऑफ ब्रीथिंग है जो हमें जन्म से ही मिलती है, पर धीरे धीरे वक्त के साथ हम ये भूल जाते हैं. एबीसी ऑल्दो इज द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, इट इज अ रियल पावर हाउस ऑफ बेनिफिट्स. इसके अनेकों फायदे हैं. इट काम्स योर माइंड, रिड्यूसेस योर स्ट्रेस और आपकी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बढ़िया मसाज करता है जिससे आपका शरीर हैप्पी और हेल्दी रहता है. सो लेट्स बिगिन. सिट स्टिल, कीप योर फेस, योर बैक स्ट्रेट, रिलैक्स योर फेस, योर शोल्डर्स एंड कीप अ स्माइल ऑन योर लिप्स. And just breathe. Gently breathe. Now, पहले deep exhalation के साथ अब अपना stomach contract करेंगे. So look at me. बाहर निकलेगा. एक्सहेल. आप अपना हाथ नाभि के ऊपर भी रख सकते हैं टू चेक. इनहेल. एक्सहेल. अब ऐसे आप 10 बार इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कीजिए और 10th टाइम एक्सहेल करके इनहेल कीजिए. यहां पर आपको अपने एनल और जेनिटल स्फिंक्टर्स अंदर की तरफ खींचने हैं. सक इन टाइट. अपनी मसल्स को टाइट कीजिए. इससे आपके एब्डोमेन और आपके प्रोस्टेट की मसल्स को बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी. नाउ लेट गो. रिलैक्स. ऐसे ही आप 10 रेप्स को 3 बार रिपीट कर सकते हैं. तो ये था आपका एबीसी आज का सेशन. हर दिन आप एबीसी कीजिए, इसके बेनिफिट्स लीजिए. डू योग एट योर ओन पेस बिकॉज इट इज नॉट अ रेस. अपने फीडबैक्स मुझे दीजिए. आई बी वेटिंग. लेट मी नो हाउ यू फील. I'll help you more. Namaste.